तक टावर तक पैदल मार्च करते हुए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो केंद्र सरकार कर रही है, जैसे ही तेजस्वी सत्ता से बाहर गए ये ईडी और सीबीआई वाले अपने काम पे लग गए। जो केंद्र सरकार के पिंजरे के तोते हैं वो पुनः अपने काम पे लग गए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे सवालों की कौन सी प्रेयर लिस्ट है जो पिछले 8-10 सालों से इनका सवाल पूरा नहीं होता, और अगर आपके यहाँ आपके कोर्ट में आपके यहाँ मामला है तो आप सजा क्यों नहीं दे पाते हैं? ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग राष्ट्रीय जनता दल के उन सभी कद्दावर नेताओं को डराने का धमकाने का काम करते हैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से, लेकिन हम लोग लालूवादी लोग हैं, हम लोग तेजस्वी यादव के सेना के लोग हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब जब ईडी सीबीआई लालू यादव परिवार पर तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसेगी तब तक हम लोग उनके आगे मिलेंगे और उनको हम लोगों से पहले दो दो हाथ करना होगा, तब जाकर के उनको तेजस्वी यादव और लालू यादव को मिलना होगा। महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा राकेश नायक जिंदाबाद। देखिए वर्तमान देश का जो स्थिति है, शिक्षा के जहाज को डुबाया जा रहा है, स्कूल कॉलेज को बंद करके, और यह केंद्र सरकार रैलियों में लोगों को बुलाए जा रहे हैं, कब तक फ्री के अनाज का मजा लेता रहेगा आम नागरिकों? आपके बच्चों के दिमाग को अपाहिज बना रहे हैं। देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, बिहार में जो बार बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बेरोजगार लोग को वादा करके और नौकरी नहीं दे रहा है, किसानों को आय दुगुना करने का वादा किया, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मणिपुर की घटना आप देख रहे हैं, BHU बनारस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ देश का लोग जान रहा है, स्मार्ट सिटी के वादा करके और इस देश में सत्ता पर काबिज होने के लिए यह आए और आज अंधभक्ति में यह एक भगवा रंग में जो देश को रंगना चाहता है उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा ने जन आंदोलन आज शुरू किया है और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे। वर्तमान स्थिति जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके खिलाफ नीतीश कुमार का पुतला दहन करेंगे और जनता के बीच राष्ट्रीय जनता दल जाएगी, वह समर्पण और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय जनता दल आज रोड पर उतरी है।